पेशे से चिकित्सक एम के संभाशिवन अपने बेटे एम एस स्वामीनाथन को भी चिकित्सक बनाना चाहते थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में बंगाल के भीषण अकाल ने स्वामीनाथन को झंझोर कर रख दिया। उन्होंने कृषि वैज्ञानिक बनने की ठानी और तय किया कि वो देश में भोजन की कमी को खत्म कर देंगे। कालांतर में उन्होंने हरित क्रांति का आगाज कर देश को अन्न संकट से उभारा। 1925 में तमिलनाडु के कुमकोनम में जन्मे स्वामीनाथन जब 11 वर्ष के थे तो उनके पिता की मौत हो गई। पिता की मृत्यु के बाद स्वामीनाथन की देखभाल उनके चाचा ने की। उनके परिजन उन्हें मेडिकल की पढ़ाई कराना चाहते थे, लेकिन उन्होंने 1944 में मद्रास एग्रीकल्चर कॉलेज से कृषि विज्ञान में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। 1947 में वो आशुवंशिकी और पादप प्रजनन की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आ गए। 1949 में साइटोजेनेटिक्स में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने अपना शोध आलू, गेहूं और चावल पर किया। स्वामीनाथन पर परिवार वालों की तरफ से सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करने का भी दबाव बनाया गया। वे परीक्षा में शामिल भी हुए। भारतीय पुलिस सेवा में उनका चयन भी हुआ। उसी दौरान नीदरलैंड में अनुवंशिकी में यूनेस्को फेलोशिप के रूप में कृषि क्षेत्र में एक मौका मिला। स्वामीनाथन ने पुलिस सेवा को छोड़कर नीदरलैंड जाना सही समझा। 1954 में वो भारत वापस आ गए और यहीं कृषि के लिए काम करना शुरू कर दिया। स्वामीनाथन ने गेहूं की एक बेहतरीन किस्म की पहचान की, जिसके कारण भारत में गेहूं उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। उन्होंने चावल का उत्पादन बढ़ाने में भी भूमिका निभाई। इससे देश में अन्न संकट दूर होने लगा। उन्हें हरित क्रांति का जनक कहा गया। उन्होंने देश को अकाल से उबारने और किसानों को मजबूत बनाने वाली नीति बनाने में अहम योगदान निभाया। उनकी अध्यक्षता में आयोग भी बनाया गया, जिसने किसानों की जिंदगी को सुधारने के लिए कई अहम सिफारिशें की। स्वामीनाथन को उनके काम के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्होंने 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण, 1989 में पद्म विभूषण, 1971 में मैग्सेसे पुरस्कार, 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार हासिल किया। 28 दिसंबर 2023 को चेन्नई में उनका निधन हो गया। स्वामीनाथन ने वर्ष 2002 से वर्ष 2005 तक संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम प्रोजेक्ट की अध्यक्षता की। आज के लिए इतने ही। ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए विनेशन न्यूज़।